में जिला परिषद स्वास्थ्य सेवा में 19 बंद प्रतीत स्वास्थ्य सेविकाएं पिछले 4 से 5 वर्षों से ग्रामीण नक्सल ग्रस्त एवं आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। उनको 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं बकाया नगद स्वरूप में अदा की जाए, सेवा पुस्तक अद्यावत की जाए, ऐसी मांग का निवेदन स्वास्थ्य विभाग जिला परिषद भंडारा को दिया गया। ज्ञापन में बताया कि जिला परिषद स्वास्थ्य सेवा पिछले 4 से 5 वर्षों से 19 बंद प्रति स्वास्थ्य सेविका ग्रामीण एवं नक्सल ग्रस्त तथा आदिवासी दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत होकर उनको सरकारी नियम के अनुसार सभी लाभ देय होकर उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ अभी तक नहीं दिए जाने से उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। राज्य में केंद्र सरकार अनुसार जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू किया गया है। सरकारी निर्णय 20 फरवरी 2019 के अनुसार राज्य के सभी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया गया, लेकिन भंडारा जिले के 19 बंद प्रतीत स्वास्थ्य सेविकाओं को अभी तक 7वें वेतन का आयोग का लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित बंद प्रतीत स्वास्थ्य सेविकाओं ने संगठन की ओर दौड़ लगाकर न्याय प्राप्त करने की अपील की है। इसके अनुसार संगठन की ओर से उनको न्याय प्राप्त कर देने का आश्वासन देते हुए 14 जनवरी 2020 को जिला स्वास्थ्य अधिकारी भंडारा को निवेदन देते हुए जिले के बंद प्रतीत स्वास्थ्य सेविकाओं को लाभ प्राप्त कर देने की अपील की गई है। इस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोटघरे ने सकारात्मक आश्वासन देकर शीघ्र ही लाभ दिया जाएगा ऐसा कहा। इस अवसर पर संगठन के उप महासचिव सूर्यभान हुमने, जिला अध्यक्ष विनय सुदामे, जिला सचिव हरिचंद्र धांडेकर, डॉक्टर मधुकर रंगारी, डॉक्टर विनोद भोयर, यशवंत उइके, विजय नंदा गवली, युवराज रामटेके एवं अन्य अतिथियों की उपस्थिति में निवेदन दिया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताजा खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।